The velocity time graph of a body falling from a certain height, okay, under gravity and rebounds from a solid surface is given over here. We have to see the velocity time graph. अगर body ऊपर से नीचे गिर रहा है, okay? Now I am taking the upward direction as positive and downward direction as negative, ठीक है? अगर body ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो initially velocity तो इसका zero था, but इसका velocity increase होते जा रहा है in the downward direction. बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा, उसका वेलोसिटी होते जाएगा नेगेटिव. फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहले जीरो था, फिर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, फिर माइनस 6 माइनस 7, वैसे उसके इंक्रीज होते जाएगा. बट इफ़ यू सी देर इज अ नेगेटिव साइन एसोसिएटेड विद इट, तो इनिशियली ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा. ओके, इनिशियली द ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस, विच इज ऑप्टेंड इन ए एंड सी. ठीक है, तो अभी सी और ए एंड बी, तो सी और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो गए. लेट अस सी व्हाट हैपेंस आफ्टर रिबाउंडिंग. ठीक है, अगर एक बार बॉडी यहाँ पे सबसे डाउनवर्ड पोजीशन पे पहुँच गया, ओके, डाउनवर्ड मोस्ट पॉइंट पे, सो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं माइनस 50 मीटर पर सेकेंड हो गया. ओके, आफ्टर रिबाउंडिंग इसका वेलोसिटी हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, बट इट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, फिर इसका वेलोसिटी कम होते जाएगा 40, 30, 20, 10, और वापस टॉप में हो जाएगा जीरो. ठीक है, तो यहाँ पे जितना नेगेटिव आया उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, विच इज़ दिस पार्ट. ठीक है, यहाँ पे जितना नेगेटिव आया, मान लेते हैं ये माइनस 50 था, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 50, और यहाँ पे इट फाइनली विल बिकम जीरो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए.